दोस्तों आज हमारे पास हर एक प्रकार की आज़ादी है। हम कुछ भी पहन सकते हैं, अपने शरीर को ढक सकते हैं या फिर चाहे तो छोटे कपड़े भी पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें हमेशा से हमारे पास नहीं थी। एक ज़माने में महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी टैक्स चुकाना होता था। जी हाँ, यह सुनने में भले ही अजीब हो लेकिन यह सच है। तो दोस्तों आज हम आपको इस टैक्स से जुड़ी कई चीज़ें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तुमने स्तन कर दिए बिना अपनी छाती को छुपाया है, अब उसको स्तन कर देना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने स्तन को ढक सकती है। आखिर कब तक चलेगा ये सब? हमें कब अपने पूरे शरीर को ढकने की आजादी मिलेगी? आज से हम सब अपनी छाती ढक कर चलेंगे, चाहे इसके विरोध में मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि यह टैक्स भारत के किस हिस्से में लगाया जाता था और किन महिलाओं को यह टैक्स देना होता था। दोस्तों आज़ादी से पहले दक्षिण भारत में साल 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी के त्रावणकोर की महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। वहाँ की दलित महिलाएं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर आती थी, उन्हें यह ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर देना पड़ता था। दोस्तों हमारे देश की ये विडंबना थी कि इस रूढ़िवादी प्रथा के चलते महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अगर गलती से भी वह बिना टैक्स चुकाए स्तनों को ब्लाउज से ढक लेती थी तो उस दौरान चाकू से खींचकर ढका हुआ कपड़ा फाड़ दिया जाता था। दोस्तों उस समय यह टैक्स लगाने का निर्णय वहाँ के राजा मार्तंड वर्मा ने लिया था। उनका कहना था कि मकान और पानी के साथ महिलाओं को स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना होगा। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि यह टैक्स हर महिला के लिए बराबर नहीं था। दोस्तों यह इतना घिनौना टैक्स था कि महिलाओं को उनकी ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से टैक्स देना होता था। जितना बड़ा ब्रेस्ट उतना ज़्यादा टैक्स। ऐसे में उस जमाने में यह टैक्स लागू करने के पीछे की यह सोच थी कि ऊंची जाति के पुरुषों के सामने महिलाओं को अपने स्तन नहीं ढकने चाहिए। और उस समय की दलित समुदाय की महिलाएं टैक्स नहीं चुका पाती थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। वह बेचारी किसी तरह मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। लेकिन दोस्तों हर बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी ना किसी को तो सामने आना ही होता है। ऐसे में उस जमाने की एक बहादुर महिला वीरांगना ननगेली ने यह कदम उठाया। जब एक बार वह पूरे कपड़े पहनकर रास्ते से जा रही थी तो उसके साथ भी सैनिकों ने बुरा व्यवहार किया। जब इनसे टैक्स मांगा गया तब इन्होंने अपने दोनों स्तनों को काटकर केले के पत्ते में रखकर राजा के सैनिकों को सौंप दिया। दोस्तों इस घटना से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत ही इस प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया। दोस्तों इस टैक्स को मूला कर्म के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अब हम आपको इसके दूसरे पहलू की ओर ले चलते हैं। क्या यह घटना इतिहास में घटी थी या महज काल्पनिक कहानी है? तो दोस्तों जो इतिहासकार इस घटना को सच मानते हैं, जो मानते हैं कि भारत के केरल राज्य के त्रावणकोर में इस प्रकार का कर वसूला जाता था, उनके पास इस घटना के कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह घटना 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की बताई जाती है, लेकिन उस समय की ऐतिहासिक किताबों में इस प्रकार की घटना का न तो कोई जिक्र है और न ही इस घटना की मुख्य पात्रा नांगेली के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इस घटना के बारे में हमें बीते 14-15 सालों से ही ढेरों आर्टिकल्स मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन 18वीं सदी में जब यह घटना घटी उस समय के कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। दोस्तों इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में इस प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता था। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा
कि आखिर इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाने के पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों, इसका मेन कारण ये था कि हिंदुओं को ऊंची और नीची जाति में बांट दिया जाए। इस प्रकार की मार्मिक कहानी सुनाने के बाद किसी का भी दिल बैठ जाएगा कि एक लड़की ने टैक्स के लिए अपने स्तन काट दिए और इसी को इतिहास की सच्ची घटना बताकर हिंदुओं में ऊंचे वर्ग और दलित वर्गों के बीच घृणा का बीज बोया गया। और दोस्तों, इसका दूसरा मेन कारण ये था कि इस कहानी के द्वारा त्रावणकोर के हिंदू राजा मार्तंड वर्मन की छवि खराब करने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, सच ये था कि इतिहास में ऐसी घटना घटी ही नहीं। अगर घटी होती तो उसके प्रमाण उस समय की किताबों में जरूर होते। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी जिसे इतिहास के पन्नों में ना लिखा जाए। इसमें नांगेली नाम की पात्रा ने डायरेक्ट राजा को चैलेंज किया था और उस समय राजा को चैलेंज करना यानी कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना था। आज इतिहासकारों के पास भी उस समय का कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिससे इस कहानी को सच माना जा सके। दोस्तों, इतना ही नहीं, ना ही नांगेली नाम की लड़की के परिवार के बारे में इतिहास के पन्नों में कुछ देखने को मिलता है, ना ये पता चलता है कि नांगेली के माता पिता कौन थे, उसका कोई भाई बहन था या नहीं, यानी कि उसके जीवन के बारे में कुछ भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी जिसके बारे में आज आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो विकिपीडिया पर, न्यूज़ आर्टिकल हों, बुक्स हों, इन सभी जगहों पर भर भर कर नांगेली के बारे में घटित इस घटना को लिखा गया है। लेकिन रेफरेंस मांग लिया जाए तो रेफरेंस के तौर पर कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। अब आप ही देख लीजिए कि ये है हमारा इतिहास जो कि इसी तरह काल्पनिक कथाओं से लिखा जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पर वेब सीरीज भी बनाई गई और CBSE की NCERT की हिस्ट्री की बुक में इस कहानी को ऐड भी किया गया। मतलब जिस कहानी का इतिहास के पन्नों में जिक्र नहीं है उसे हम इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं। वाह, ऐसे हमारे भारतीय इतिहासकार हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नांगेली की कहानी पहली बार कब आई। दोस्तों, ये बात है 2009 की और 2009 में एक ब्लॉगर माइकल डेविड ने अपने ब्लॉग में इस कहानी को प्रकाशित किया था। मतलब इसने एक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी बनाई और अपने ब्लॉग में प्रकाशित किया। द हिंदू ने अपने न्यूज़पेपर में नांगेली की कथा को प्रकाशित किया। दोस्तों, यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। 2016 में BBC ने इस कहानी को अच्छे चित्रों के साथ प्रकाशित किया। इसके बाद तो मानो होड़ सी लग गई, न्यूज़ आर्टिकल्स, बुक्स, वेब सीरीज, हर जगह बस नांगेली और ब्रेस्ट टैक्स इसी के बारे में जिक्र होने लगा और इस कहानी को पूरे जोर शोर से खूब फैलाया गया। लेकिन किसी से रेफरेंस मांगो तो किसी के पास भी ऑथेंटिक डाटा मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, ये थी नांगेली की एक काल्पनिक कहानी जिसके बारे में आज हमने जाना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।